अंधेरी के में बांधता है और भीड़े की जब घर हार मानते हैं ठीक है। मेरे जानू किसानों को एक साल से ज्यादा ग्रास 700 किसान शहीद हुए अब इनके दिमाग ठीक हुए बैठ जाओ आराम से हमारे साथ ही बैठ जाओ बैठना सीखो। कोई भी अधिकार अगर चाहिए तो लड़ना पड़ेगा लड़ने के लिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए और अगर हिम्मत से आप लड़ ही नहीं सकते। देखो ये बात एक सत्य है मुझे सत्य ज्ञान में उत्तर नहीं है कि हमारे जो किसान सहभागी होगा उन्हें भी इस बात का वो होगा कि लंबे समय से आंदोलन चला रहे हैं आदमी को आज हमने सिर्फ उन्हें वही बताया ये भी तो हमने अथॉरिटी में ताले की बात करी थी। हम तो वहां भी ताला लगा सके बहुत जगह अथॉरिटी के अंदर बाहर भी जाम ताला लगा सके क्यों भाई। तो मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई आपका आंदोलन सफल हो मेरी तो यही इच्छा है। ये इनकी देर है देखो तो सही इन्होंने भर के घर में ये हमारा पेट भराया देखो देखो ऐसे होते हैं आंदोलन ना एसी है ना पंखा है ना कुछ है भूख भी बहुत जोर की रही बारिश भी पड़ी होगी तूफान भी आया लेकिन ये डटी रही। लोग क्या पुरुष ताकतवर हो जो पुरुष को पैदा करे दुनिया में मां से ज्यादा ताकतवर कोई है नहीं। तो आज भी माओ ने एक मोर्चा लिया अगर ये ना खड़ी होती तो शायद हमारे लोग खड़े ना होते। नारी शक्ति जिंदाबाद। मैंने ये कह दिया अपने कुछ लोगों को मगर तुम यहाँ से हल्के से इधर उधर को हो जाओ ये इन्हें देखने में मगर हम जान डर रहे हैं कुछ और बात है। हम टेक्निकल आदमी आंदोलन करते हैं बहुत दिन हो गए हमको ये तय करना है भाभी जी खड़े का घर भी गए पकड़े लेना गेम कि क्या तो जेल में अन्य जेल में मेरे गाड़ी में आप चेक कर लो मैं 3 दिन लेगा 3 दिन से ज्यादा इन्होंने मुझे जेल में रखने की हिम्मत नहीं है। ये ज्यादा जेल तक इतना रखने जितने मुख्यमंत्री है आप जिसमें हमारे लोग चेक नहीं बैठ सकते हैं कि मुख्यमंत्री से सवाल कर पाए कि मुझे इस तरह कहाँ बंद हो गया कहाँ बंद हो गया। हमने मेहनत कर रहे तो हमारा खाए सब कुछ हमने किसी रानी की पेट से जन्म नहीं रखा हम तो किसान के मेरे पिताजी बैंक स्कूल में मैडम कर दिए सुनो भाई किसान हमारे सभा के साथ ही और मेरे आज की याद मेरे पिताजी ठेके में खेती करते थे और स्कूल से आगे की तरफ पूरे कहने में पानी देने चला है मैं छोटा सा था ठेका उन्होंने मुझे स्कूल से बनाया तो वो कह रहा कि मैं डर तो नहीं लगा महाराज डर तो लग रहा रात को खेत में सांप आ जा बिच्छू आ जा सोच ही जा रहा तो टोर्च भी खराब होगी। मेरे पापा ने मुझे एक बार कहा किसान जो है ना रात के अंधेरे में पानी देने जाता है और दिन में और काम जाता है किसान को अपने से ज्यादा देश की चिंता होती है जिसके लिए मैं कह रहा हूँ उसका पेट कैसे भरा और उसके बच्चों का पेट कैसे भरा। तो मेरे माता ने मुझे समझाया कि किसान अपने लिए देश के लिए जीता दूसरे लोगों के लिए जीता फिर लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो मैंने तो अपने घर में यही देखा और वो बहुत गरीब परिवार से शहर बैठ पाई हमारे पापा ने पढ़ा नौकरी कर रहे और मकान भी बनाए सारी पढ़ाई का खर्चा भी सब कुछ और मेरी माँ खेत में घास निकाल रहे थे और हमें पशु पाल रखे हैं। मैं मुझे बचपन से दूध की आदत है मेरी दूध की आदत सेवा नहीं छूटी जिसमें 16 महीने जेल रहा वहां दूध मिला नहीं था पाउडर के दूध पर लेकर डाटा ही खराब हो गया। वरना इतिहास कब आया आपको क्या ये हमारे घर अगर हमारी भैंस या गाय में दूध देना बंद करा तो मैंने अपने पापा के धंधा कर लिया हमारा भैंस या गाय था और अगले दिन मेरे पापा वहीं से लाए मैंने सरपूरी सब्जी गाजर का हलवा बनाया जो खूब हो गया 3 टाइम दूध पीऊंगा। देखो मैं आपको सच्ची बात बता रहा गाँव की मैं स्कूल में आते ही सवेरे स्कूल में दूध पी ले जाऊंगा और स्कूल में आते ही जो हारे में हमारे दूध रखे जा करने के लिए दूध उसकी बड़ाई काट कर खाने में फिर बचा जाऊंगा उसमें गोसे लगा के अभी और तब जा फिर बनाए थे आ जा फिर शाम के टाइम आके मैं मास्टर को तो दही जम जाएगी ना मुझे दे दी और ऐसे सवेरे तक जाएगी सवेरे उठते मैं दही के पर कम पाले उसे खा ले लूंगा फिर मैं बैठ जाऊँ तो मेरी माँ बलो थी तो हाथ में लड़कर बैठा रहूंगा तो लोकेश को भी रात लाने पर तो दूर था मगर जो गुजरा हो गए तो फिर वो निकालते सबसे पहले मेरे हाथ रखे उस पर मांगा फिर खाने की गेट भी मांगा इस तरह से लाट में पढ़ा मेरे माँ बाप ने सारे सब कुछ अगर फिर भाई
आपके साथ चले गए समाज की लड़ाई शुरू होगी। तो मेरी माँ ने गेट पर रात रात ना मैं स्कूल जाते बाहर रहूंगा, वहां अपनी माँ का बोझ कम करेगा, तभी वो कटरे सतर पर खा रहा हूँ लकड़ी भी ना तो जानता हूँ कि साहब है ना पेड़ टूट जा रहा है, फल खराब हो जाए, सब खराब है। अब इस काम को करवा लोगे दुख कैसे दूर, तकलीफ कैसे दूर। मैं अगर यहाँ से जा रहा हूँ तो उम्मीद से जा रहा हूँ कि हमारी मांग ये हमें पूरी कर देंगे। अगर मैं यहाँ बैठा था आपकी मांग से चढ़ गया ना तो मैं बैठना चाहता बिल्कुल कह रहे कि आप जाओगे घर काम पर छोड़ देंगे, वरना तय ये कर गया था। मैं अपने घर में भी कह रहा भाई मैं अपने शुरुआत दे रहा हूँ, ठीक है किसानों की मजदूरों की महिलाओं के समाज के बारे में सुना, ठीक है। एक मैटर मेरे हो रहा है, यू मुझे पढ़ना है, आई मिनट दे दो, इसको मैं तय करना है, इसको कैसे करना है, ये किसकी जिम्मेदारी है बता दो, ये क्या परिवार के आए थे। ये लेटर है इनका ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और ठेकेदारों द्वारा ग्रेटर नोएडा में सफाई कर्मचारियों के साथ आयोजित शोषण किया जा रहा है। ₹20,604 का बढ़ा हुआ वेतन सफाई कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा, सफाई कर्मचारियों के मृत्यु के बाद शोषण के ऊपर 10 लाख नहीं दिए जा रहे, सफाई कर्मचारियों के हेल्थ कार्ड जैसे सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा। ग्रेटर नोएडा सफाई कर्मचारी जो की पिछले 15 से 20 वर्षों ग्रेटर नोएडा सफाई कर रहे हैं उनको अब तक भरना नहीं किया गया। ग्रेटर नोएडा में सफाई कर्मचारी किसी सुविधा का लाभ नहीं दिया जा रहा और ग्रेटर नोएडा में आयोजित प्राधिकरण के अधिकारियों को वह ठेकेदार द्वारा शोषण किया जा रहा। ये कहाँ है लोग इनका कहना भाई आज की लड़ाई तो है किसान पर, मैं एक ही लड़ाई लड़ता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, ये लड़ाई मत कोई आपकी लड़ाई के लिए मैं इसका अवसर नहीं हुई यहाँ पर बात करें मेरा वहां आप मेरे लिए इंतजार कर लिया मैं उतने में बात एक कारण नहीं हट रहा हूँ दो नामों का रखता आदमी गिर रहा पहले ये वाले कहते हैं जो भी बीच में रहेगा मेरा आपसे जमा है आप जैसे इस लड़ाई बड़ा वैसे लड़ाई आपकी लड़ाई तो आप कितना आप बैठे ना बैठे तो ये तो बैठने वाले हैं सब वाले आप बैठे ना बैठे आप अपना काम करें हाथ को लड़ाई करें हमारे नेता लोग यहाँ बैठे हैं मेरे भाई हम सब लोग ये लेने वाले हैं आप लेकिन आज भी आज तो ये वाले लेकर ले रहे हो पहले आप आज तो जा एक कर गए फिर दूसरे वाले रहे ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी आपकी हिम्मत को सलाम